अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 करते हैं। ये चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर्स मल्टीप्लाई इनके अबाउट है। वैसे हम एलसीएम और एचसीएफ पहले बहुत सारी वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट हम इस वीडियो में भी देख लेते हैं जो 6th क्लास में गिवन है। सबसे पहले तो फैक्टर गिवन है। फैक्टर आर द पार्ट्स ऑफ द नंबर्स डेट मल्टीप्लाई टुगेदर। मतलब फैक्टर्स वो होते हैं जिनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर देता है। गिवन अ लार्ज नंबर। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं कि फैक्टर इज़ अ नंबर विच इज़ डिवाइड द डिवाइडेंट कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। ठीक है, अब दो टाइप्स इधर बताई हुई है। एक तो कहा हुआ है कि फैक्टर वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से नंबर आ जाए। दूसरा कहता है कि किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर ना रहे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 3 आ जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा आ जाता है, तो 6 के ये फैक्टर बन जाएंगे 1 2 3 6। या फिर ऐसे चेक कर लें कि जैसे कि 8 के फैक्टर हमने फाइंड करने हैं, तो या तो आप ऐसे चेक कर लें 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। अगर छोटे छोटे नंबर्स हों तो ऐसे आप लोग फैक्टर चेक कर सकते हैं 4 में और किस में आता है, 8 खुद में आता है। तो इसके कितने फैक्टर बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसके 4 फैक्टर बन जाएंगे। ओके, फैक्टर ऐसे चेक किए जा सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल सिंपल, जैसे हम टेबल लिखते हैं ना 2 4 6 8, तो ये इसके मल्टीपल हैं 2 के ये मल्टीपल हैं। 3 के लिखोगे तो 3 6, ये सारे 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल सिंपल जो हम टेबल लिखते हैं वो। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अच्छा, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर अभी हमने ऊपर रीड कर लिया, या तो उनके टेबल रीड कर लें तो ठीक है, या फिर उनको डिवाइड करके निकाल लें, दोनों तरीके से फैक्टर्स आ जाते हैं। अब जैसे कि 5 के कितने फैक्टर बनते हैं? 5 या तो 1 के टेबल में आता है या खुद के 5 1 5, जस्ट 2 फैक्टर्स हैं। 7 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? 7 या तो 1 के टेबल में आएगा या खुद के 2 फैक्टर बन गए। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं, जैसे 1 और इटसेल्फ। अच्छा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 तो होते ही हैं प्राइम नंबर के, बट 3 हो 4 हो 5, जैसे कि 6 ले लेते हैं, इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? 1 टेबल में आता है, 2 में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है? 6 खुद के टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर बन गए? 4। ठीक है, अब इसके कितने फैक्टर बन गए? 4। अब ये 6 क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा, ये देखें, इट दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। अब आ जाती है HCF। HCF का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में बड़ा हो कॉमन फैक्टर और दोनों नंबर्स में है। ठीक है, अभी इधर देखें, कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 और मोर नंबर इज़ द प्रोडक्ट। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए ऑफ द कॉमन फैक्टर, वो उसका कॉमन फैक्टर बन जाता है। 2 नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करके निकाला जाए तो वो उसका कॉमन फैक्टर बन जाता है। जैसे कि अब 30 का और 24 का हमने क्या लिया है? HCF फाइंड करना है। अब 30 में और 24 में कॉमन क्या आ रहा है? इधर से 2 और इधर से 3, और तो इसका HCF क्या बन जाएगा? 6। ठीक है, या फिर ये भी देख, HCF फाइंड करने का एक बेस्ट वे ये भी है कि 30 और 24, अब इनमें से 30 और 24 किस टेबल में आता है? तो जो लार्जेस्ट, देखो 2 में भी आता है, 3 में भी, 4 में भी नहीं, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है। तो जो इनका लार्जेस्ट डिवाइज़र बन जाएगा ना, वो 6 बन जाएगा। मल्टीपल करके भी देख लें, और ये इजी भी है अगर आप लोग इनके एलसीएम ले लें तो। अगर आप इनको फिर उनके मल्टीप्लाई करें, जैसे कि एलसीएम ऐसे लिया जाता है, 30 को 2 से डिवाइड कर दें और 24 को 2 से, और उनको फिर इस वे में लिख लें, और लिखने के बाद जो दोनों दो नंबर कॉमन आए उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। अब ये 3 नंबर गिवन है, 3 हो 4 हो, किसी का भी सिंपल हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अभी तो 3 नंबर गिवन है और तीनों का पूछ रहे हैं कि HCF फाइंड करना है, मतलब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो तीनों को डिवाइड करता हो। HCF का सिंपल मीनिंग ये है। अब हम चेक करते हैं कि
कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। हमने इनको HCF LCM ले लिया। LCM लेने के बाद इनको हमने इस वे में लिख लिया। लिखने के बाद जो कॉमन थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉमन फैक्टर कौन से थे, 2 और 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो क्या बन गया, 14। अब 14 इसका HCF है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लार्जेस्ट HCF है जो इन दोनों तीनों को डिवाइड करेगा। LCM का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, ठीक है। अब इसका LCM क्या बनेगा, एक नंबर का पूछा होगा तो मल्टीप्लाई करके लिख देना। अब इधर भी इन बहुत सारे नंबरों का LCM पूछा होगा तो सबको एक साथ लिख के अलग अलग हम भी डिवाइड कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं इनका। वैसे इसकी डिटेल में वीडियो अपलोड है तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं करते, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि 1 इज़ नेदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्योंकि प्राइम के लिए कंडीशन थी कि इसके 2 फैक्टर हों और कंपोजिट के लिए कंडीशन थी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो 1 एक वाहिद नंबर है जिसके जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। दूसरे में कहता है कि 2 एक ओनली प्राइम नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। आर द ऑड नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, 7 up to 7, तो ये जो 2 होगा ना ये प्राइम इवन नंबर है इवन नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड द, अच्छा इवन नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जो 2 के मल्टीपल होंगे तो उनको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे या 2 से डिवाइड नहीं हो सकते तो वो ऑड नंबर्स बन जाएंगे। ये देखें ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द नंबर डैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या बन जाएंगे, ऑड नंबर्स बन जाएंगे। इवन नंबर की डेफिनेशन थी जो 2 के मल्टीपल होंगे वो इवन नंबर बन जाएंगे, और जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे वो क्या बन जाएंगे, ऑड नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ इवन, अगर जो 2 नंबर से डिवाइड हो, अच्छा यूनिट प्लेस का मतलब है कि उसके लास्ट में अगर 2 के मल्टीपल हों तो वो कौन सा नंबर बनेगा। अब कंडीशन ये है कि डिवाइज़र चेक करने हो 2 के तो उसके लास्ट में 2 के मल्टीपल आने चाहिए, तो वो 2 के ही इवन 2 के मल्टीपल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड होगा वो 3 के होंगे, जो 4 से डिवाइड होगा तो 4 के होंगे। अब 3 के जो डिवाइजर होते हैं वो उसको चेक करने का वे ये है कि जैसे कि 2, 6, 21, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। इसको डिवाइड करने की ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे कि 6 + 2 + 1 इनको ऐड कर लेंगे। अगर तीनों नंबर ऐड होने के बाद 3 के टेबल में मौजूद हुए तो हम कह देंगे कि ये 3 के मल्टीपल हैं, जैसे कि 1 और 2, 3, 3 और 6, 9। अब ये देखें 9 किसके टेबल में आ गया, 3 के टेबल में, तो ये देखें इधर लिखा हुआ है और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसको सिंपल वे में बताया हुआ है, अगर जब 2 के मल्टीपल चेक करने हो कि जैसे कि ये 1, 14, अब ये डायरेक्ट बताना हो कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, इसके लास्ट में देख लेना, जस्ट लास्ट में ये देख चेक कर लेना कि लास्ट में जो भी नंबर है वो 2 के टेबल में है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड है, और अगर 3 का चेक करना हो तो हमने इनको ऐड करके देख लेना है कि अगर वो 3 के टेबल में प्रेजेंट है तो हम कह देंगे कि ये इससे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये देखें कि 1, 5, 2 ये पूछ रहा है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं, मतलब पहला ऑप्शन ये है। हमने अभी ऊपर रीड किया है कि हमने इनको ऐड कर लेना है, इनके बीच में हम एडिशन का क्वेश्चन लगा देते हैं। अब इनको जमा करो, ये 3 और 5, 8 और 1, 9 9 बन गया। अब ये 3 के टेबल में है और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनको देखो, इसको ऐड करके देखो कितना बनता है, 1 + 6 + 4 + 5
9, 10, 16, बी 16 नहीं डिवाइड होता, ये देखें सिंपल। अगर कोई भी ऑप्शन दिया हो और पूछा जाए कि ये 3 से डिवाइड है, तो आप लोगों ने उसको ऐड करके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर नेदर 0 और डिवाइड बाय 4। अच्छा, जो 4 के डिविजिबल हमने चेक करने होते हैं ना, या तो उसके लास्ट में 0 आए या फिर दो नंबर 4 से डिविजिबल हों। ठीक है, अब जैसे कि 136 दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है। अभी मैंने ऊपर वाला रूल पढ़ा, बताया है कि या तो आखिरी में 0 आए या फिर लास्ट में दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हो। अभी देखें, इसके दो नंबर 4 से डिवाइड, 4 के टेबल में भी आ रहे हैं और 4 से डिवाइड भी हो रहे हैं। इसके अंदर लास्ट में 0 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल 4 का रूल ये है, उसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। जैसे कि 136 है, अब 116 है, ये देखें 116 है, 16 4 से डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अच्छा, 5 का रूल ये है कि उसके लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 होना चाहिए। जस्ट डिवाइड किए बगैर आप लोग ये कह सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 का रूल ये हो गया है कि उसके लास्ट में या तो 0 है या फिर 4 से जो भी डिवाइड हो वो नंबर है या 4 के टेबल वाई। अब 5 का रूल ये है कि उसके लास्ट में 5 है या 0 है, जैसे कि 55, 100, 10, 105, ये सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, इनके लास्ट में या तो 5 है या 0 है। ठीक है, अच्छा 6 का ये है कि ये नंबर या तो 2 से डिवाइड हो या 3 से। अभी 2 का रूल हमने पढ़ा है कि 2 के मल्टीपल होने चाहिए सारे, 3 का रूल ये है कि उनको ऐड करके चेक कर लेना है, सबको उनको क्या कर लेना है, ऐड करके चेक कर लेना है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि 72, अभी इसके लास्ट में 2 तो है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं चेक करते हैं। 7 में 2 ऐड कर लो, 9, 2 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये देखें ये 6 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप लोगों से पूछा वो कि 144 ये 6 से डिवाइड है या नहीं, ये चेक करके बताएं, आप लोगों ने इनको ऐड कर लेना है 5 और 49, या 2 का अगर चेक कर लेना है या 3 का, इनमें से किसी भी एक को चेक कर लेना। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स आर, नंबर इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द इंडेक्स। अब ये देखो 100 गिवन है, 100 को हम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं और उसकी पावर को 10 लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स। ठीक है, इधर एलसीएम और एचसीएफ वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो वर्क वाले स्टार्ट हो रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।